दी कमिश्नर कोल्ड बार एसोसिएशन गोरखपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद धारा 370 के हटाए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्य वक्ता सेवा निवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर दिग्विजय नाथ, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर डॉक्टर भगवान सिंह, विशिष्ट वक्ता विभाग अध्यक्ष बायोटेक्नोलॉजी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय डॉक्टर शरद मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में ब्रिज भूषण श्रीवास्तव, विनय कुमार उपाध्याय सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। कश्मीर की कली नहीं चाहिए, हमें कश्मीर में प्लाट नहीं चाहिए, हमें कश्मीर की कली नहीं चाहिए, हमें कश्मीर में फौजी भाई का शरीर वहां से तिरंगे में लिपट कर सके, अपनी समृद्धि को प्राप्त कर सके। मैं निवासियों को बधाई देता हूं कि आज उनकी वजह से ऐसी परिस्थितियां आई। इस देश को, इस देश की तबाही को, इस देश के आमजन को तमाम सारे दिशाओं में मार्गदर्शन देने वाले विद्वान अधिवक्ता गण, सर्वप्रथम मैं आपके इस संगठन के स्थापना दिवस के अवसर आप सबके प्रति अपनी तरफ से, व्यक्तिगत रूप से, अपने शैक्षिक संगठनों की तरफ से और अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सज्जनों, समाज के किसी क्षेत्र में किसी पुरात और श्रेष्ठ परंपरा की स्थापना करना और उसको उत्तरोत्तर पुष्पित और पल्लवित करना मनुष्यों सदृश कार्य होता है। सामान्य लोग तो अपनी रोजी रोटी में भी उनसे जीवन बिता देते हैं, लेकिन आपने एक संगठन बनाया है, संगठन के मंच पर बहुत सारे कार्यक्रम आप करते रहते हैं, हम भी मीडिया के माध्यम से, भाई निकेत जी के माध्यम से बहुत कुछ सुनते हैं, जानते हैं आपकी जागरूकता, समाज के प्रति आपका चिंतन मुझे कुछ पता चलती है और मैं आपकी संगठनात्मक शक्ति पर नतमस्तक होकर विनम्र भाव से शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका यह संगठन कमिश्नर्स बार एसोसिएशन निरंतर आगे बढ़े, पुष्पित और पल्लवित हो, जागृत हो, जागरूक हो, ताकतवर हो, ताकि भविष्य में आप और ज्यादा सामाजिक सेवा करने में सक्षम हो सके। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पधारे बहुत वरिष्ठ अधिवक्तागण जो संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, उनके श्री चरणों में मैं एक सामान्य वक्ता के रूप में, एक सामान्य शिक्षक के रूप में आप सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ कि आप उम्र के इस वय पर, उम्र की उस ऊंचाई पर भी तमाम सारे सुविधाओं को, असुविधाओं को सामने रखते हुए इस कार्यक्रम में आकर के बैठे हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। इससे आप सबकी तन्मयता, आप सबकी निकटता और आपके मन में भावपूर्ण स्थिति जो है उसका भी पता चलता है। मुझे लगता है जहाँ तक मैं जानता हूँ तो शायद मेरी जानकारी में अकेला यह कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, जिसके पहले लर्निंग लाइन लगाया जाता है और किसी विभाग में कार्य करने वालों के सामने यह शब्द नहीं लगाया जाता है। तो आज के दिन मैं भाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि छात्रों के बीच जिंदगी बिताने वाले एक शिक्षक को इतने विद्वान लोगों के बीच आने, मिलने और कुछ भावनाएं शेयर करने का अवसर आप सब लोगों ने मुझे दिया है।